शुक्रवार का दिन 28 जुलाई अनुराधा नक्षत्र सर्वाध सिद्धि योग। अनुराधा नक्षत्र जिसका स्वामी शनि मंगल के साथ अपने प्रभाव से आपको प्रभावित कर रहा है, राहु की छाया है, बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि है। अनुराधा नक्षत्र जिसका स्वामी शनि आपके जीवन में बहुत लाभ लेकर आया है, क्योंकि शनि जिसके ऊपर शुक्र की दृष्टि है, बृहस्पति जिसके ऊपर इस समय चंद्रमा की दृष्टि है, आप अधिक धन कमाएंगे, ज्यादा मान सम्मान प्राप्त करेंगे, बहुत साहसी और कर्मठ व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। परिस्थिति आपको झुका नहीं सकती, स्वाभिमान से जीवन में शुभ पल पाने की इच्छा आकांक्षा और क्षमता आपके अंदर होगी। तो विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। शुक्रवार का दिन 28 जुलाई, आज चंद्रमा मंगल के घर में बैठकर बृहस्पति को अपनी सीधी दृष्टि से देख रहा है। आज सावन अधिक मास शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि है, सर्वाध सिद्धि योग है, अनुराधा नक्षत्र है, स्वामी शनि प्रबल होकर आपकी कुंडली में आपके भाग्य का विधाता बन रहा है। आज आपकी कुंडली में शनि मंगल का प्रभाव है, राहु की छाया, बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि है, जिसके कारण आप ज्यादा धन कमाएंगे, ज्यादा मान सम्मान पाएंगे। किसी भी तरह की परिस्थिति आपके जीवन में आ भी जाए तो आपको रोक नहीं पाएगा। आप जीवन में सुख फल पाने की क्षमता रखते हैं, बहुत तरक्की उन्नति आपकी जीवन में होगी। कभी कभी आपके जीवन में धन की समस्या आ जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से हर संकट को आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि शनि और मंगल में बड़ा ही शक्ति होता है। अनुराधा नक्षत्र का शनि आपके भाग्य को चमकाता है, जीवन में तरक्की का अवसर देता है, यानी अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप परिश्रम करते जाएं, जीवन के हर संकट दूर होते जाएंगे। शनि की दशा में पराक्रम बढ़ेगा, उपलब्धि की हासिल होगी। मंगल की दशा में अत्यंत उत्तम फल की प्राप्ति होगी, जबकि बुध शुभ फलदायी होगा, शुक्र शुभ होगा, राहु आपके मन में भटकाव लाएगा, पर चंद्रमा उत्साहित करेगा, केतु महत्वाकांक्षा को जगाएगा। अनुराधा नक्षत्र में शनि से सफलता प्राप्त करने के बाद आप रुकेंगे नहीं, आगे भी सफल होते जाएंगे, ऐसा योग है। आज शनि और मंगल का प्रभाव है, बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि है, राहु की छाया है, यानी आज का दिन उत्साह से अपने काम को करने का दिन है। आज का दिन तरक्की हासिल करने का दिन है। बड़े भाग्यशाली आप हैं, बड़े सौभाग्यशाली आप हैं। जब केतु आपकी महत्वाकांक्षा को जगाएगा, उस समय बुध भी शुभ फल देगा और शुक्र भी शुभ फल देगा। बुध और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा और शनि के ऊपर है, शनि की दृष्टि राहु पर है और चंद्रमा बृहस्पति को देख रहा है, यानी आपकी जीवन में सफलता प्राप्त होते जाएगी। जब भी अनुराधा नक्षत्र आता है, दक्षिण दिशा में आपका भाग्य उदय होता है, इसी दिशा में भाग्य चमकता है। भगवान शिव, भगवान विष्णु की पूजा से अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं, नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं, शुभता आपके जीवन में बढ़ने लगती है, सफलता भी मिल जाती है, शक्ति ऊर्जा से स्थिरता भी जीवन में आ जाती है। यानी आज का दिन आपके लिए बड़ा लाभकारी दिन है, बड़ा भाग्यशाली दिन है। मेहनत से काम करें, ऊर्जा और अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाएं तो जीवन बड़ा खुशहाल होगा, भाग्य भी आपके बुलंद हैं।
आप में इच्छा शक्ति भी है, साहस भी है, तो जीवन में समृद्धि की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। आज आप स्त्री से प्रेम भी करेंगे, धन भी कमाएंगे, सुख सौभाग्य भी प्राप्त करेंगे, यानी आपका जीवन बहुत सुखी होगा। लेकिन आज राहु बृहस्पति के साथ बैठा है, जिससे आप थोड़ा घमंडी होंगे, लेकिन अपने परिश्रम से इच्छा को पूरा करेंगे। शनि की दृष्टि है, मेहनत का फल भी मिलेगा, सफलता खुशखबरी भी पाएंगे। आपके विचार उच्च होंगे, संस्कार आपके अंदर होगा, चेहरे पर चमक होगा, तन से मन से आप सुंदर होंगे। क्योंकि जब बृहस्पति के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाती है, तो आपकी जीवन में शुभता शुभ फल की प्राप्ति होती है। आप बुरे काम से बचें, ज्ञान और चतुराई से काम करें, अच्छा धन लाभ भी अर्जित करेंगे, बड़ी उपलब्धि भी आप हासिल करेंगे। अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा पर मंगल बुध की दृष्टि जब पड़ती है, तो आप धनवान बन जाते हैं। आज अपने गुस्से को शांत करें, नहीं तो आपके रिश्तों में बाधा समस्या आ जाएगी। शनि मंगल का प्रभाव है, अपनी शक्ति से शत्रु को आप पराजित करेंगे, अपने व्यवहार से संतुष्टि प्राप्त करेंगे, सभी सुखों का भोग करेंगे, सुख का आनंद लेंगे। शनि मंगल के प्रभाव से आपके भाग्य का सितारा चमक रहा है। इस समय आपकी कुंडली में राहु बृहस्पति की युक्ति है, वहीं दूसरी तरफ पे बुध मंगल और शुक्र एक साथ गोचर कर रहा है और शनि से सम सप्तक योग बना रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में ऐसा फल प्राप्त होने वाला है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपकी तो किस्मत चमकने वाली है, आपके तो भाग्य बदलने वाले हैं। क्योंकि जब जीवन में सुखता बढ़ती है, तो बड़ी बड़ी उपलब्धि आप हासिल करते हैं, नौकरी व्यापार आपका अच्छा चलता है और भाग्य आप पर मेहरबान हो जाता है, तो बेहद ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अनुराधा नक्षत्र का शनि आपके जीवन में बहुत लाभ लेकर आता है, शुभ समाचार की प्राप्ति होती है, चिंता आपकी दूर हो जाती है, बाधा समाप्त हो जाता है। हनुमान जी की कृपा से किस्मत चमकने लगता है, मुश्किलें भी आसान हो जाती है, अपने गुण व्यवहार से आपकी लोकप्रियता भी बढ़ जाती है, सामर्थ्य भी है, साहस भी है, पराक्रम भी है, तो समस्याओं से छुटकारा भी मिलेगा। आपके लिए तरक्की का योग है, सौभाग्य का योग है। अब आपके सारे बाधाएं दूर हो चुकी है, लाभ और भाग्य की प्रबलता से जीवन में आगे बढ़ने का अवसर भी आपको प्राप्त हो रहा है। आपकी कुंडली में धनवान बनने का योग बन रहा है। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। जीवन की मजबूत स्थिति आपके जीवन को सुखी करेगा। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। किस्मत के दरवाजे भी खुलेंगे और किस्मत आपकी चमकेगी। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी सूर्य है, द्वितीय चरण का स्वामी बुध है, तृतीय चरण का स्वामी शुक्र है, चतुर्थ चरण का स्वामी मंगल है। यानी अनुराधा नक्षत्र का चारों चरण आपकी किस्मत को चमका रहा है। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, इन चार चरण में आपके जीवन में सुख, धन, लाभ और भाग्य का साथ मिलेगा। एक नई शुरुआत आपके जीवन में संभव है। परिवार की खुशी, संतान की तरक्की, सभी तरह के कार्य में सफलता, अच्छे परिणाम का योग है। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये जो समय है, आपकी किस्मत को चमकाएगा। आज का राहु काल 10:46 से 12:27 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर नीला होगा, लकी नंबर 6 होगा। आपके लिए शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:17 से आरंभ हो जाएगा, जबकि सर्वात सिद्धि योग 5:40 के बाद आपके किस्मत में बड़े बदलाव का योग है। अभिजीत मुहूर्त 12:01 और विजय मुहूर्त 2:43 जीवन में शुभता लेकर आएगा, आपकी किस्मत को चमकाएगा। जबकि अमृत काल 2:45 के बाद आपके बिगड़े काम बनेंगे। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं।
आज अनुराधा नक्षत्र में शनि मंगल का प्रभाव है, राहु की छाया, बृहस्पति चंद्रमा की दृष्टि है, आपकी किस्मत चमक रही है, आपके भाग्य बदलने वाले हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।